सिंचन यार, तू तो बोल रहा था तेरी मैम भाई बिल्कुल भी शिकायत वगैरह नहीं करेंगी। तू तो स्कूल में सिंचन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए जाता है, लेकिन सिंचन आज तो भाई तेरी मैम ने भाई तेरी बहुत सारी शिकायत करी है। इसलिए तो बोल रहा था फ्रेंगल भाई यार मैं तुमसे कि यार पेरेंट्स मीटिंग में मत जाओ, लेकिन फिर भी तुम यार फटाफट से पेरेंट्स मीटिंग में चले गए मुझे लेकर के। मैम ने यार सारी की सारी पोल खोल दी मेरी। सिंचन ना तो भाई तू होमवर्क पूरा करता, और तो और सिंचन ना तो भाई तू स्कूल में पढ़ाई करता, और तो और सिंचन भाई तू लंच भी पहले ही खा लेता है। बहुत सारी शिकायत है सिंचन तेरी। अब बता मैं करूँ तो करूँ क्या? एक काम करो फ्रेंगल भैया, अब से ना भाई मेरे को स्कूल मत भेजा करो, हाँ नहीं तो बहुत बहुत मजा आ जाएगा घर पे। अबे पागल हो रहा है क्या, तेरी स्कूल की छुट्टी क्यों कराऊँ मैं है? ऐसा क्या करेगा तू घर पे? अरे घर पे कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती करूँगा। अब सिंचन के बच्चे चुपचाप से घर पे ना मैं तेरे से होमवर्क करवाया करूँगा, ये ठीक रहेगा। अरे यार ये मैम को शिकायत करना जरूरी था क्या? खाली पीली मेरी शिकायत कर दी, आज गाइस पेरेंट्स मीटिंग थी ना इसलिए यार शिकायत हो गई। ओ वेट, ये कौन है हमारे घर के बाहर? लगता है गाइस किसी की गाड़ी खराब हो गई है। यार मेरे घर ही मिलता है क्या लोगों को अपनी गाड़ी वगैरह पार्क करने की? हेलो सर, यहाँ पर अपनी गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है? अरे दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई है भाई, प्लीज कुछ करो कुछ करो, मेरे को अपनी ऑफिस जाना है, वहां पर मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है, प्लीज प्लीज कुछ करो। क्या करूँ क्या करूँ भाई, तेरी गाड़ी तो मैं ठीक कर नहीं सकता, तो यार प्लीज कुछ तो करो, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। एक काम कर भाई, तू ना मेरा स्कूटर लेके जा सकता है, पीछे मेरा स्कूटर खड़ा है। क्या सच में मैं तुम्हारा स्कूटर ले जाऊँ? लेकिन मेरी गाड़ी यहाँ सेफ तो है ना, आप टेंशन मत लो, आपकी गाड़ी यहाँ एकदम सेफ है, ये मेरा ही घर है। और जब तक भाई आप मेरा स्कूटर दोबारा लेकर के आओगे ना अपने ऑफिस से, जब तक भाई मैं इस गाड़ी को रिपेयर भी करा दूंगा। अरे बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। अरे कोई बात नहीं भैया, तुम जाओ, हम आपकी गाड़ी ठीक करा देंगे। बहुत अच्छे लोग हो यार तुम तो, टेंशन मत लो, जब मैं अर्जेंट मीटिंग करके आऊंगा तो तुमको बहुत सारा ढेर सारा पैसा भी दूंगा। चलो अब निकलता हूँ तुम्हारा स्कूटर लेके, बहुत बढ़िया मजा ही आ गया, ये लोग तो सच में बहुत अच्छे थे। अरे काय के अच्छे लोग है, मेरी तो ऑफर छूट गई, बहुत बढ़िया, मैं बहुत हरामी इंसान हूँ। ये गाड़ी दरअसल एक हॉन्टेड कार है, इसके अंदर भूत भूत है, इसलिए इस गाड़ी से मैं पीछे छुड़ाना चाहता, फाइनली इस गाड़ी से पीछा तो छूटा, साथ के साथ फ्री में स्कूटर मिल गया, मैं तो बहुत खुश हूँ। चल सिंचन भाई, अब जल्दी से ना मैं ना बैनी को बुला लेता हूँ, ताकि सिंचन बैनी भाई इस गाड़ी को रिपेयर कर दे, उसके बाद सिंचन हम भाई इसमें घूमेंगे। अरे हाँ हाँ फ्रेंगल भाई, बैनी भैया को बुला लो, दोनों भाई मस्त करके घूमेंगे, दोनों भाई नहीं सिर्फ और सिर्फ सिंचन मैं घूमूंगा। अरे फिर मेरे मैं क्या करूंगा? तू जाकर सिंचन अपने स्कूल का होमवर्क कंप्लीट कर। अरे प्लीज गाइज फ्रेंगल भाई से बोलो कि यार मुझे भी गाड़ी में घुमा ले, जल्दी बोल दो गाइज कमेंट करके। बैनी का नंबर कहा जाए, जल्दी से बैनी को कॉल करता हूँ, ताकि बैनी जल्दी से जल्दी इस गाड़ी को ठीक कर दे उसके आने से पहले। अगर गाइज वो यहाँ पर आ गया ना तो भाई हम इस गाड़ी को भाई चला नहीं पाएंगे। बैनी को कॉल कर दिया, बैनी कॉल उठा। अरे फ्रैंकलिन भाई क्या हाल है तेरे? मैं तो ठीक हूँ भाई, तू ना मेरे घर पर आजा, मेरे घर पर एक काफी महंगी गाड़ी खड़ी है, इसको भाई ठीक करना है। तू टेंशन मत ले फ्रैंकलिन, बेफिक्र रहे, मैं तेरा दोस्त हूँ, तू मेरे काम आता है मैं तेरे काम आऊंगा, इसी को तो दोस्ती बोलते है। अबे टाइम पास मत कर भाई, तू जल्दी से आजा। अरे फ्रैंकलिन मेरी बात तो सुन ले, जल्दी बोल भाई क्या बोल रहा है। देख मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन दोस्ती वोस्ती अपनी तरफ है, लेकिन भाई पैसे भी लगेंगे। अबे भाई कितनी छोटी बात कर दी तू, आ जा भाई, तेरे को जितने पैसे चाहिए मैं उतने पैसे दे दूंगा, बस भाई तू ना उस गाड़ी को ठीक कर दे। ठीक है 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं। अरे क्या बोल रहे हैं फ्रिंगल भाई, बैनी भैया बताओ ना। सिंचन बैनी आ रहा है भाई, चलो गाइस कॉल भी कट हो चुकी है। चलो गाइस एक काम करता हूँ, जब तक ना मैं भाई नहा लेता हूँ और रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद गाइस बढ़िया करके महंगी गाड़ी से घूमने जो जाना है। अबे चिंटू के बच्चे तेरे पास और कोई काम वाम नहीं है क्या? हमेशा चौक के स्विमिंग पूल में नहाता रहता है। मैं भी गाइस चौक के स्विमिंग पूल में ही नहाता हूँ, क्योंकि गाइस हमारे बड़े वाला स्विमिंग पूल में ना पानी काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन चौक के स्विमिंग पूल में पानी कभी गर्म नहीं होता भाई, धूप से इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है, एकदम चिल्ड मजा आ जाता है भाई इसके पानी में ना करके। बनवाया तो गाइस हमने ये चौक के लिए, लेकिन गाइस चौक का बच्चा कभी नहाता ही नहीं है भाई, इसी में जब बारिश आती है ना सिर्फ और सिर्फ जब ही नहाता है गाइस चौक, उससे पहले भाई वो कभी नहाता ही नहीं है। रैंगलिन की कॉल आई है मेरे दोस्त की, अपना काम वाम छोड़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा नहीं तो मेरा दोस्त बुरा मान जाएगा, ये वाली गाड़ी लेकर के जाता हूँ, मेरी तो हालत खराब हो गई, सुबह उठता हूँ उठते ही काम पर लग जाता हूँ, जितनी भी गाड़ियाँ आती है सभी गाड़ी को ठीक करता हूँ, और उसके बाद रात तक गाड़ियों को ठीक करता हूँ, घर जाता हूँ, घर पे जाके बेड पर लेटते ही नींद आ जाती है, सुबह उठता हूँ फिर गाड़ियों को ठीक करो, जिंदगी भाई सब कुछ ऐसी चल रही है, क्या करे, काम तो करना ही पड़ेगा। मेरी गाड़ी भी कितनी खटार है, मैं सोच रहा हूँ एक नई गाड़ी परचेज कर ही लूँ, ये ब्लैक कलर तो मेरे को गाड़ी का बिल्कुल भी पसंद नहीं, इस बार जब नई गाड़ी खरीदूंगा तो ब्लू कलर की खरीदूंगा, ब्लैक कलर मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे पहुंच गया, चलो फ्रैंकलिन के घर पे। ओ ये गाड़ी है क्या? वाओ कितनी ब्यूटीफुल लग रही है जो फ्रैंकलिन के घर के आगे गाड़ी खड़ी है। फ्रैंकलिन मेरे दोस्त बाहर निकल, देख मैं आ गया, तेरी गाड़ी को फटाफट ठीक करता हूँ। लेकिन फ्रैंकलिन के पास कहाँ से आ गई ऐसी गाड़ी? लगता है गाइस फाइनली बैनी आ चुका है। फ्रैंकल भाई उठो यार, देखो यार बैनी भैया आ गई, उनको बताओ आखिरकार गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। मुझे थोड़ा ना पता सिंचन गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आई है, वो तो बैनी बताएगा क्योंकि मैकेनिक तो भाई वही है। अरे बहुत अच्छे फ्रैंकलिन, ये गाड़ी कहाँ से खरीद ली? अबे मेरी थोड़ी ना पता नहीं,
किसकी थी भाई? लगता है किसी बिजनेसमैन की है। उसकी दरअसल यहाँ पर ये गाड़ी खराब हो गई, तो ना इसको फटाफट से ठीक कर दे ताकि भाई मैं और सिंचन इसमें घूम सके। अच्छा तो ये बात है, टेंशन मत ले फ्रैंकलिन, मैं ठीक करता हूँ। अरे बैनी भैया, तुम कब से सिर्फ बोल ही रहे हो यार, चुपचाप से काम करो। अब तक यार मुझे लगता है तुम ना गाड़ी को ठीक भी कर देते। अरे ऐसे कैसे ठीक कर दूँ, मैं कोई मशीन थोड़ी ना हूँ, अभी अभी तो तुम्हारे घर पर आया हूँ। अभी मैं इसे देखूंगा, फिर उसके बाद ठीक करूंगा, फिर इसकी कमी पता लगेगी। तो मेरे ख्याल से इसके इंजन में कोई प्रॉब्लम आई है, या तो इसके में कूलेंट वगैरह खत्म हो गए जिससे गाड़ी हीटिंग ले रही है। तो मैं देखता हूँ, तुम टेंशन मत लो। अरे देखना भाई देख, पैसे पैसे की बात थोड़ी हो जाती। अबे भाई मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, तू काम तो कर। गैस यार बैनी के बच्चे से ये उम्मीद तो नहीं थी। लिटिल सिंघम बेटा, तेरे से मेरे को यही उम्मीद थी कि तेरे पेरेंट्स मीटिंग में मैं जाऊंगा तो टीचर तेरी शिकायत करेगी और तू क्या सब बच्चों से पिटता रहता है। तेरी मैम ने बोला कि तू स्कूल के सभी बच्चों से पिटता है, नालायक कहीं के किसी को तो मारा कर, सबसे ये पिटता ही रहेगा। पापा जी क्या करूं यार, आप मेरे को इतना मारते हो कि मेरा ना पिटने का मन करता है, इसलिए मैं सब लोगों से पिटता हूं। अरे रे रे ना कटवा रखिए, लगता है अब तेरे को मारना बंद करेगा, फिर तो सबको मारेगा ना। हाँ पापा जी, आप एक काम करो, आप मेरे से पिटना चालू कर दो, फिर मेरे को मारने की आदत लग जाएगी, फिर मैं सब लोगों को स्कूल में मारे करूंगा। क्या बोला इसने, क्या बोला, दोबारा बोलियो। पापा जी मैंने तो कुछ नहीं बोला, आपने कुछ सुन लिया क्या? सुन तो लिया, लगता है पेलना पड़ेगा तेरे को। पापा जी नहीं, मेरे को यार आज पिटने का मन नहीं है। ये ले पीटूंगा तो सही, तू क्या कह रहा है, तू मेरे को मारेगा गधे कहीं के? ये ले, अपने पापा पे हाथ उठाने की बात कर रहा है, आज इसको इतना तोड़ूंगा कि इसकी सांस ही बंद हो जाएगी। पापा जी आप तो डेली ऐसे बोलते हो, बस दो चार घोंसे मार के छोड़ देते हो। पापा जी करना क्या चाहते हो, मेरे को तब पिटने से यार डर भी नहीं लगता है, डर नहीं लगता है। ये ले पिट पिट के तेरे को मैंने इतना मजबूत कर दिया है कि अब तेरा पिटने का मन करता है सब लोगों से, कल से किसी से पिट के मत आइए स्कूल में, समझ गया ना? लाइक कहीं का चलो जाके अब सो जाते हो, अब तो मैं भी बोर हो गया इसको मार मार के, कितना मारूं आखिरकार इसको। फाइनली गाइस अपने बैनी ने भाई ये गाड़ी ठीक कर दिया है। बैनी थैंक यू, फ्रैंकलिन थैंक यू, थैंक यू नहीं, पैसे वैसे की बात हो जाती। अबे नहीं दे रहा पैसे, बहुत देर हो गई भाई, पैसे पैसे, अभी मैं पैसे देने के लिए आ रहा था और पैसे की बात करता, बार बार तू अपने मुंह से क्यों ही बोल रहा है? अरे हाँ मत दे फ्रैंकलिन, बैनी भैया पागल कहीं के? अरे फ्रैंकलिन इसने पागल बोला, हाँ तो मैं भी बोल देता हूँ तेरे को पागल। चलो गाइस अब निकलते हैं फटाफट से घूमने के लिए, जाऊंगा नहीं यहाँ से जब तक पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ तो मैं तेरे को पैसे देने भी नहीं वाला, अब तू ऐसे घर के बाहर खड़ा रहे। फ्रैंकलिन मेरे दोस्त ऐसे कैसे कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर रहा है फ्रैंकलिन भाई, यार बैनी भैया को यही सजा देनी चाहिए, हाँ नहीं तो बार बार पैसे मांगे जा रहे हैं। अरे नहीं सिंचन, ये अपना काफी पुराना दोस्त और काफी खास दोस्त है, पैसे तो सिंचन मैं इसको दूंगा, और वैसे भी सिंचन इसने भाई ये गाड़ी भाई ठीक करी है तो पैसे तो देने बनते हैं। अरे तो यार ये पागल हो गए कि यार बार बार पैसे मांगे जा रहे हैं। अरे तो दे देंगे ना सिंचन, अपना दोस्त है, इससे मैं ऐसे मजाक करता रहता हूँ, ये भी सिंचन मुझसे मजाक ही कर रहा होगा। लेकिन गाइस ये परफेक्ट गाड़ी है भाई, मेरी पर्सनैलिटी पे तो गाइस ये गाड़ी एकदम जच रही है। मेरा मन कर रहा है गाइस इससे ना काफी लंबा निकल जाए भाई घूमने के लिए, लेकिन क्या करें गाइस गाड़ी मेरी नहीं है इसलिए गाइस मैं दूर जा नहीं सकता। लेकिन वेट, ओ भाई अब कौन सी खराबी आ गई, ये बैनी के बच्चे ने कैसे ठीक करी है भाई ये गाड़ी, इसके अंदर से तो गाइस धुआं निकल रहा है भाई साहब। निकल सिंचन बाहर निकल, कहीं ऐसा ना हो भाई ये गाड़ी ब्लास्ट हो जाए। बढ़िया करके हम बाहर तो निकल गए, लेकिन ये धुआं कहाँ से आ रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। आई थिंक गाइस इंजन में से निकल रहा है क्या, बोनट ओपन करके देखना पड़ेगा। अरे अब क्या हो गया बताओ तो, मुझे क्या पता सिंचन क्या हो गया, मैं मैकेनिक थोड़ी ना हूँ। और गाइस ये गाड़ी के अंदर से इतना प्रेशर से भाई धुआं निकल रहा है, इसे देख करके मेरे को लग रहा है भाई कुछ ना कुछ तो बड़ी खराबी हो गई है, कहीं ऐसा ना हो सिंचन यहाँ से भाई हमको धक्का मार के इसे घर तक ले जाना पड़े, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। तो बैनी भैया को बुला लो, हाँ सिंचन और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, बैनी को फटाफट से कॉल करता हूँ ताकि वो आए। ओए अब ये क्या हो गया भाई, इतना तगड़ा स्मोक कैसे निकलने लग गया इसके अंदर से भाई सब, पिंक कलर का बहुत तगड़ा ब्लास्ट हो रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है भाई, किसी गाड़ी में से इस तरीके का भाई स्मोक कैसे निकल सकता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ ये कौन आ गया। ओए ये कौन आ गया, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा, आखिरकार मुझे क्यों पकड़ रखा है, मुझे जाने दो। ओ भाई हमने तेरे को नहीं पकड़ा, तू है कौन, आखिरकार कहाँ से निकले, तुम हो कौन मुझे ये बताओ, मेरी को क्यों पकड़ा है, ये गाड़ी मेरी है, इसको तुमने क्यों पकड़ा, क्यों चला रहे हो इसको। अच्छा ये गाड़ी तेरी है क्या, भाई हमने तेरे को नहीं पकड़ा, तुझे जहाँ जाना है भाई जा। ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, अगर मुझे ढूंढा है तो रात को मैं आकर तुम्हें परेशान करूंगा और छोड़ूंगा नहीं। अरे प्लीज भाई तू जाओ। भाई साहब ये क्या हो गया सिंचन, वो तो एक सेकंड में गायब हो गया और गाड़ी को लेके गायब हो गया। अरे सिट सिंचन, भाई साहब अब तो मुझे लगता है भाई सिंचन 10 दिन तक नींद नहीं आने वाली, क्योंकि गए आप लोग खुद ही देखो ये अभी मेरे साथ हुआ क्या। चल 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 सिंचन भाई फटाफट से घर पे निकलते हैं, भाई ये रोड मेरे को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, रुक जा वाइट गाड़ी वाले, भाग गया गाइस वो अपनी गाड़ी लेकर के। चलो गाइस यहाँ पर ये रेड कलर की गाड़ी आई है, एक्सक्यूज मी सर दरअसल मैं काफी डर चुका हूँ, आपकी गाड़ी मेरे को चाहिए, मेरे को क्योंकि घर जाना है, यहाँ से मैं पैदल पैदल घर तो जा नहीं सकता। हाँ सिंचन आप
भाई जल्दी गाड़ी के अंदर बैठे। अरे अच्छा करा फ्रेंगल भाई, तुमने एक सुपर कार छीनी है, इसे फ्रेंगल भाई भगाते हुए घर लेके चलो। अगर तुम कोई बाइक वाइक छीनते ना तो मुझे पता है भाई साहब तुम मुझे गिरा देते और भाई साहब बाइक को तेज चला भी नहीं पाते। तो गाइज अभी गाड़ी को लेकर के मैं घर पर तो पहुंच चुका हूँ। अब जल्दी से जा करके गाइज मैं भाई किसी भावा भाव को बुलाता हूँ और उससे पूछता हूँ ये सब क्या हुआ। ओए सिंचन, मैं सपने में तो नहीं हूँ। ये चेक कर सिंचन, अपने घर के सामने भाई चार चार बुगाटी कार खड़ी है। अरे फ्रेंगल भाई यार एक बार ऊपर भी तो देखो, ऊपर फ्रेंगल भाई यार छत पर देखो क्या कुछ नहीं है। अरे हाँ सिंचन अपनी टेरेस पर भी काफी कुछ है, चलो गाइज एक बार टेरेस पर भी चल के देखते हैं। ओ भाई साहब यहाँ पर तो गाइज काफी सारा गोल्ड है भाई, पूरी की पूरी मेरी टेरेस तो गोल्ड से भर रखी है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो गया? मुझे लगता है गाइज ये जो कुछ भी हुआ है ना भाई साहब उस गाड़ी की वजह से हुआ है। उस गाड़ी के अंदर से गाइज वो जो रेड कलर का भाई एक एलियन निकला था ना, मतलब एलियन तो वो नहीं था गाइज, उसे हम जेली मैन बोल सकते हैं। हाँ गाइज उसका शरीर कुछ जेली मैन जैसा ही था। मुझे लगता है गाइज उसको हमने जाने दिया ना, इसलिए गाइज उसने भाई मेरे को इतना सारा गिफ्ट दे दिया। फिर तो गाइज मजे आ गए भाई, मैं तो काफी अमीर बन गया। और हाँ गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करोगे गाइज? फ्रैंकलिन सिंचन आपके भाई, तो यार जल्दी से गाइज वीडियो को लाइक कर दो। मिलते गाइज अपन नेक्स्ट वीडियो में, मिल गाइज प्यारा वाला, बाय।